हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका एक बार स्वागत है फिर से। आज मैं आपके लिए एक अनोखी चीज़ लेके आया हूँ और वो है वीवो V11 की अनबॉक्सिंग का। तो आइए शुरुआत करते हैं हम वीवो V11 की अनबॉक्सिंग का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये डब्बा है वीवो V11। टैगलाइन है वीवो की, परफेक्ट शॉट परफेक्ट मोमेंट। इस पे जैसे कि आप देख सकते हैं 6 GB रैम है, डुअल रियर कैमरा है, 25 MP फ्रंट कैमरा है और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये। वैसे तो इसकी जो प्राइस है वो 20,990 है, लेकिन बॉक्स पे 24,990 लिखी हुई है। या आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और अपने आसपास के स्टोर से भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग का। जैसे कि देख सकते हैं, ये साइड में रख देते हैं। ये हमारे पास काफी खूबसूरत सा फोन आ गया है। उसके ऊपर टैम्पर्ड लगा हुआ मिलता है हमें। ये इसका बैक साइड है, काफी क्लासी लुक है, काफी सुंदर लुक है। डुअल रियर कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है ये, और नीचे लिखा हुआ है डिजाइंड बाय वीवो। सो हम इसको ऑन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब तक ये ऑन होता है तब तक हम इसको साइड में रख देते हैं, तब तक बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स को देखते हैं। ये कुछ बुकलेट्स वगैरह हैं जैसे कि वारंटी कार्ड, ये पिन मिलता है, ये EMI कार्ड और ये क्विक स्टार्ट गाइड है। ये चार्जर है जो कि आप देख सकते हैं फास्ट चार्जर है। नाइन वोल्ट 2 एम्पियर के साथ आता है और 5 वोल्ट 2 एम्पियर के साथ फास्ट चार्जर है ये। इसमें आपको एक USB केबल मिलता है और एक ईयरफोन मिलता है। इसके साथ आपको एक कवर भी मिलता है जो कि मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कवर है, सिलिकॉन कवर है, काफी अच्छा कवर है। नीचे इन्होंने एक एक्स्ट्रा केस भी दिया हुआ है चार्जिंग पोर्ट के लिए। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे जब आप चार्ज नहीं कर रहे हैं तब आप इस पोर्शन से बंद कर सकते हैं। काफी अच्छा है। देखते हैं अपने फोन को, इनको हम साइड में रख देते हैं। देखिए ये लॉक लगा हुआ आया है। जो मैंने लॉक लगाया था अभी मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, पासवर्ड मैंने डाला हुआ है पहले से इसलिए वाईफाई मैंने ले रहा है। ये सिस्टम अपडेट में देखते हैं कि कौन सा एंड्रॉयड है। और फ्रंट टच OS, जो इनका फ्रंट टच जो है इनका कस्टम UI है, लेटेस्ट वर्जन है उसका। रैम एंड स्टोरेज स्पेस में जाते हैं। 64 GB टोटल इंटरनल मेमोरी है इसकी, 51.84 GB अवेलेबल स्पेस है। मैंने एक दो एप्लीकेशंस डाउनलोड किए थे इसमें। रैम इसकी 6 GB है। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें एक स्मार्ट मोशन भी है।
जिसमें स्मार्ट वेक, एयर ऑपरेशन, स्मार्ट टर्न ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन स्मार्ट कॉल, ये सब आते हैं। स्मार्ट रिमाइंड नाम का भी एक ऑप्शन है इसमें। हम अगला आते हैं, वो है अबाउट फोन्स में। यहाँ से आप अपना पासवर्ड डाल के फेस रिकॉग्निशन का ऐड फेस कर सकते हैं, यहाँ से इजी टच कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स में हमारा अबाउट फोन आ गया, ये देखिए। तो एंड्रॉयड ओरियो के साथ ही आता है। काफी ब्राइट डिस्प्ले है इसकी, फोन की आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम की हुई है। ये देखिए ब्राइटनेस काफी कम है। मैं इसको फुल पे लेके जाता हूँ तो ब्राइटनेस काफी अच्छी दिखती है इसकी। इसमें आई प्रोटेक्शन के साथ आता है ये, इसे बंद कर देंगे तो ये ऐसे हो जाता है, ऑन कर देते हैं तो ऐसे हो जाता है। इसे आपकी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए है ये। गाइस आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर मैं इसके कैमरा के रिव्यूज दूंगा आपको कुछ दिनों में। ओके गाइस, थैंक यू।